वाहिगुरु जी श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जजन भजन मम खालसा खालसा पूज बेजोग दास गोबिंद फतेह खालसा दर्श परस मिटे सोग आत्म रस जो जानही सो है खालस देव प्रभ मैं मो मह तास मह रंचक नाहिन भेव कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै मेहमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ श्री अजीत सिंह वीर तीर धर तीर प्रहारे कौतक होत उदोत आय नब देव निहारे होए पदांत अस्वारत नहत तूरन डारे इम पठान अर मुगल परे जन पंज मुनारे रण खेत भयो दारण महालोथन पर लोथै गिरी बहुकानव ते पक पक रुदर होए सरता तब चल परी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी सचे पातशाह जी दे पवित्र चरणां च संध्या दे दीवान सजे ने आप जी ने अमृतमयी गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कीता है सोदा रह राज साहिब जी दे पाठ होए ने पहला श्री सुखमणी साहब जी दे चौपाई साहब दे जाप भी साहबजादियां दे शहीदी दिहाड़ियां नूं समर्पित बीबियां वल्लों अते बापला परिवार वल्लों करवाए गए ने अपनी माता जी दी याद विच। सो हुण साध संगत जी आओ उस लड़ी नाल जुड़ जाइए जो साहबजादियां दी महान शहादत नूं समर्पित कथा चल रही है श्री चमकौर साहब दे जंग दी। अज 13 पोह धन धन बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी दा शहीदी दिहाड़ा भी है। उन्हां दी कथा भी आउण वाले दिनां विच जे संगतां दा हुक्म हो रहा है संगतां नूं सरवण कराई जाएगी पर पहलां उस लड़ी नूं संपूर्ण करिए जिहड़ी चल रही है श्री चमकौर साहब दा जंग। धन धन सतगुरु कलगीधर पातशाह जी दे निकटवर्ती प्यारे प्यारे सिंह गढ़ी चों निकल निकल के शहीदियां पा रहे ने। भाई दान सिंह खजान सिंह ध्यान सिंह कोठा सिंह मदन सिंह हिम्मत सिंह साहब सिंह मोहकम सिंह केसरा सिंह अमोलक सिंह लाल सिंह एक बहुत सारे सूर में शहीद हो गए। तो साहबजादा जीत सिंह ने महाराज नूं बेनती की सच्चे पातशाह मैनू जंग दे मैदान विच जाण दी आग्या बख्शो। छतरी को पूत हों ब्राह्मण को नह मैं छतरी दा पुत्र हाँ धर्म मेरा जूझना है जूझ वो काम है शत्रन को कुछ जोगन को नहीं काम लड़ाई। बाबा अजीत सिंह जी दे नाल भाई आलम सिंह जी नचना भाई ध्यान सिंह भाई सुखा सिंह वीर सिंह आदिक एक कुछ सिंह निकले हैं। किस प्रकार बाबा अजीत सिंह जी बैरियां दे तीरां दी बरखा गढ़ी तो करदे निकले हैं। वह वीर रस विच कविता भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कवि जी ने लिखी है छपे छंद विच बा कमाल भाई साहब भाई संतोख सिंह जी बयान कर रहे ने
सारियां संगतां मन बिरतियां नूं एकागर करके श्री चमकौर साहब विच वड्डे साहिबजादे ने जो कमसाण दा जुद कीता उह कथा सरवण करिए। प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्री अजीत सिंह बीर धीर धर तीर प्रहारे, महाबली योधा गुरु कलगीधर दा लाडला सपुत्र श्री अजीत सिंह बीर धीर धर तीर प्रहारे, बड़े हौसले नाल वैरियां ते तीरां दा मीह वरा रहा है। कौतक होत उदोत आए नभ देव निहारे, इस युद्ध दे कौतक नूं देखण वास्ते देवते भी आसमान च आके खड़ गए हन। होए पदांत असवार तने हत तूरन डारे, भावे उहनां दे तीर दे सामने कोई पैदल आ जांदा ते भावे कोई घोड़ सवार आ जांदा, बाबा जी दा तीर विचों दी सार पार लंघ जांदा है। इम पठान अर मुगल परे जन पुंज मनारे, मुगल पठान वड्डे वड्डे इउं डिगदे हन जिवें साध संगत जी मुनारे ढहिंदे बिजली पैण दे नाल। रणखेत भयो दारण महा लोथन पर लोथैंगिरी, मैदाने जंग दा हालात बड़ा भयानक हो गया, लाशां उत्ते लाशां चढ़ गईयां। बहुकावन ते भक भक रुद्र होए सरता तब चल परी, कहिंदे शरीर विचों लहू दे पतनाले वाग रहे ने, लहू दियां नदियां चमकौर साहब दे आले दुआले वग रहियां ने, थां थां ते धरती लाल सुरख हो गई है। या खुदाए बड़ अजब वहर के मर्त हजारे, मुसलमान फौजां दे जरनैल पहाड़ी राजां दी फौज दे जरनैल मुंह च उंगलां पा के साहबजादे दा युद्ध देख रहे ने। या खुदाए बड़ अजब बैर के मर्त हजारे, वो कहिंदे ने बड़ा गजब हो रहा जे, हे खुदा तोबा तोबा तोबा, कहिंदे हजारां बंदे साडे मर रहे ने। बिरहें दड़ा दड़ तुरक तुरक अल्प सिंगन कर मारे, थोड़े जे सिंह हन ते साडियां फौजां नूं मार मार सुट्टी जांदे ने, दड़ा दड़ करदे साडे जवान धरती ते डिग रहे ने। बीते केतक जाम मरत नह मिलत न हारत, ये किन्ने पैर हो गए ने, लड़ी जांदे ने, ना इन्हां ने साडे अगे हथियार सुट्टे ने ते ना ये हार मन्नी है इन्हां ने। वद लश्कर मह आए एक एक लड़त सुमारत, इन्हां दे विच किन्ना क हौसला है, किन्नी क दलेरी है के साडियां लखां फौजां नूं वेख के भी घबरांदे नहीं, डरदे नहीं, संगदे नहीं, झकदे नहीं, कले कले आके जंग दे विच तेगा मारदे ने। मिल कहत बात इतियाद बहु लश्कर बिस्मै होए रहियो, साध संगत जी इस प्रकार दियां गल्लां करदे होए तुरक जेड़े ने हैरान हो गए ने। इम फिरे सिंह गुर सुत सहत गह गर्भ गन को दहियो, महाराज दा वड्डा साहिब जदा अपने साथियां नूं लै के दुश्मन दी फौज इउं जांदा है जिवें बिजली आसमान चों कदी सज्जे कदी खबे जांदी ना, बाबा जीत सिंह दा घोड़ा बड़ी फुर्ती नाल दौड़दा, कन्ना दे खिच खिच बाबा जी तीर मारदे ने। जेरदस्त चित रसियो देख अपनी लगताई, सूबा जेरदस्त लाहौर दा सूबेदार जदों ने वेख्या कि साडी फौज दा बड़ा नुकसान हो रहा, साडे जवानां दे हौसले ढह रहे ने, साडे च कोई मर्द दलेर योधा सामने नहीं निकलदा, इस गल च अपनी हेठी समझी उन्हें ते बड़ा गुस्से च आया जबरदस्त खान। हेला कालियो उमड बोल बहुत धूम मचाई, कहंदे लाहौर दे सूबेदार ने बड़ी जबरदस्त फौज लैके जंगी योधियां दी चोणवें योधियां दी हल्ला कीता है। चली तुपक अनगिनत लगी सिंगन तन आई, बहुत सारियां गोलियां कठियां ही सिंघां वल चला दित्तियां, जड़ियां आ आ के सिंघां नूं लग रहियां ने। भीजे रुद्र शरीर चीर लाली उगराई, सिंघां दे चोलियां दे विच्चों दी लंघ के गोलियां शरीरां नूं भन्न के जदों पार होईयां ने, ते सूरबीर योधे गुरु खालसे दा लहू चोलियां ते डुल्लिया है, कहिंदे भीजे चीर शरीर, कपड़े भिज गए ने लहू नाल, सिंघां नूं लालियां चढ़ गईयां ने। मिल हथा वथ गिर गिर परत तुंड मुंड फोड़न करहै, हथो हथी लड़ाई दे विच सिंघ किसे नूं डाह नहीं देंदे, जिहड़ा किते नेड़े आ जावे मार थले तीर दे जां बरछे दे ओनू पार बुला देंदे ने, जो तेग दे नाल झटक देंदे ने। उन फर्क परत दोह दिसन महै त्रास धरत इत उत टर है, सो जदों लड़दे नेड़े आउंदे ने वैरी दे आऊ ला के फिर घोड़ा दूर दौड़ जांदा लै के,
ते फिर फर्क पै जांदा है आपस विच, पर वैरी उन्हां तों डरदे मारे उन्हां दे नेड़े जाण दा हौसला नहीं करदे। ग्रह शीघ्रता अधिक गुरु सत सर बरखावै। बाबा अजीत सिंह जी बड़ी फुरती करदे ने, चढ़दी उम्र जवानी दी है। कलगीधर पातशाह ने रीझां नाल शस्त्र विद्या सिखाई है, जिवें उन्हां दी बाणी च बचन आउंदा है, अब रीझ कह देहो वह हमको जो हों बिनती कर जोर करो, जब आप की औद निदान बने अति ही रण में तब जूझ मरो। रीझ के दान दियो जिनको तिन मंगन को न कहूं मन कीनो। गुरु कलगीधर ने खुश होके अपने सिंघां नूं शस्त्र विद्या सिखाई, भाई आलम सिंह नचणे नूं शस्त्र विद्या सिखाई, सुखा सिंह वीर सिंह सारे ही चढ़दे तो चढ़दे जोधे हन। अजीत सिंह दी फुरती सब तो वध है। हां जी, वेदत दुश्मन देहे गिरे धर पर तर पावै। कहिंदे वैरियां दे शरीरां नूं तीरां नाल चीरदा होया सारे पासे फिरी जांदा जंग दे मैदान विच निरपै जोधा अजीत सिंह। ओदे तीर दी कोई चाल नहीं चलदा, ओदे तीरां नाल जख्मी हो के सूरमे धरती ते लेट रहे ने, तड़फ रहे ने ते अपने प्राण त्याग रहे ने। तक तक गुल का हत है नहीं को लागन पावे। बाबे जीत सिंह नू निशाना बना के गोलियां चलांदे ने, पर गोली बाबे तक पहुंचदी नहीं, घोड़ा आगा दी आगा निकल जांदा। इन्ना घोड़े दा पैंतड़ा बाबा जी ने सिखाया होया, घोड़े दे नाल ते बाबे जीत सिंह दे मन दा एकमेक मन हो गया है, जिवें बाणी चाहुंदा ना मन असवार जैसे तुरी सिगारी। मन सवार दा मतलब यह भी है कि मन दे नाल घोड़ा घोड़े दे मन नाल सवार दा ते सवार दे मन नाल घोड़े दा मन मिल जाना। बाबा जी जिधर चाहुंदे ने घोड़ा उधर ही आपे चला जांदा है। हां जी, ग्रह चलाकी चरण चहूं दिश चित बचलावै। बाबा जी बड़ी पैरां दी चलाकी दे नाल मैदाने जंग विच जूझ रहे ने। रणखेत बिखै इत उत फिरत फांदत दौरत शत्र हत। इधर उधर सजे खबे अगे पिछे सारे पासे वैरियां दे मोर्चियां दे तीरां दी बरखा करदा, उन्हां दे वारां नूं बचांदा बाबा अजीत सिंह। सब करत बिलोकन जंग को होत अचंभ महत चित। बाबा जी का युद्ध वेख के सब का चित अचंभे च पै रहा भी यह क्या है, कोई बिजली आसमान की जिहड़ी घोड़े ते दौड़ी फिरती है, यह घोड़ा है कि बिजली है। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਖਟਿਓ ਤਬੈ ਨਿਖੰਗ ਬਾਣ ਸਭ ਦੇ ਚਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੁੱਟ ਗਏ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਪ ਨਾ ਹੋਇਓ ਸਾਂਤ ਹੇਰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਖੁੱਟਿਆਈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਟਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਹੀ ਸਾਂਗ ਕਰ ਬਿਖੈ ਦੌਰ ਕਰ ਅੰਗ ਪਰੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਗ ਬਰਛੀ ਫੜ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਖ ਮਾਸ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਅਗਨ ਪਰ ਪੁੰਜਤ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਾਬ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਤ ਫਿਰਤ ਛਾਤੀ ਤੁੰਡ ਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਬਰਛੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਮ ਪਾਏ ਧੂਮ ਰਣ ਭੂਮ ਮਹਿ ਘਾਇਲ ਘੂਮਤ ਝੂਮ ਗਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਰਕਨ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਆਏ ਚੋਂ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੌਰ ਸਭੇ ਨੇ ਤਬ ਸ਼ਸਤਰ ਹਤਨ ਕੇ। ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਸਿੰਘਨ ਦੇਖ ਸੰਗ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੋ ਗਹਿਲ ਗਿਹ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ,
उन्होंने आ के बाबा जी दे आले दुआले घेरा घत लिया बाबा जी दी हेल्प करन वास्ते। पहुंचत हाथ हथियार रिपन की दिश को लह लह। उन्होंने वैरी नू नेड़े लगन नहीं दिता ते बड़ी फुर्ती नाल आ के फिर दुश्मन दा घेरा तोड़ दिता। कर करा चोल सांगन धरे अधिक शीघ्रता धरत रण। हथा विच तेगे खंडे सिंघां दे लिशकदे ने बरछे लिशकदे ने ते वैरी नू परो परो सुट देने वड़ वड़ सुट देने। जन निब्रह केहरी फिरत है मस्त दुर्द को देख गण। जिमें निरपै बब्बर शेर मस्त हाथियां दे झुंड विच घूमदा होवे। हां देखण नू हाथी वड्डे ने पर बल शेर दा बड़ा है, रोब शेर दा ज्यादा। भावें हाथी बड़े बड़े तगड़े हुंदे ने, सैकड़े होण हजारां होण, पर जदों बब्बर शेर मैदान च आ जांदा उहदे सामने नहीं खड़ सकदे। उहनां नूं अपनी जान दा फिकर पै जांदा। बाबा अजीत सिंह बब्बर शेर है ते मुगल पठान हाथियां वर्गे जोधे फिरदे हन। तब अजीत सिंह वीर सांग कर धर विचरंता। बाबा अजीत सिंह दे हाथ विच बड़ा जंगी बरछा है, सांग है बड़ी तगड़ी, ते उह हाथ विच लै के दश दुश्मन दलां विच विचर रहा है। मनहो घटा विच दिपह चंचल चा चमक सुबंता। एदां समझ लो भी कालिया बदलां दे विच बिजली लिशकदी है। जिवें कालिया बदलां विच बिजली लिशकदी है, कालिया कालिया वर्दियां वालिया फौजां ने, उह काले बदल ने, ते बाबा अजीत सिंह दी कलगी उहदे दुमाले दे चक्कर उहदे हथ दी बो बरछी जदों लिशकदी है इंज लगदा भी जिवें बदलां विच बिजली चमकदी है। जिसके मार तसाए शीघ्र ही तिस उथलंता। जिहनूं मारदा है छाती चों पार लंघा दिंदा है ते उथल के सुट दिंदा बाबा अजीत सिंह। लेत निकास प्रकाश महाबल कर बलवंता। ओह वैरी दे छाती चों बरछा मारदा भी है ते कढदा भी है ते पता नहीं लगण दिंदा भी किहड़े वेले मारिया सी ते किहड़े वेले वापस भी पुट लिया, इन्नी फुरती नाल वार करदा है। जन कैरवान मह रुक गयो चुका व्यूह भेदन करियो। जिवें अर्जन दा पुत्तर कैरवां दे घेरे विच घिर गया सी चक्कर व्यूह नूं तोड़न वास्ते। अब मनियो शत्रगण छेद कर छिन भिन छत्रन दरियो। ओ चक्कर व्यूह होर किसे तों तोड़िया नहीं सी जा सकदा, जां तां अर्जन तोड़ सकदा सी ते अर्जन उहनूं तोड़ के उहदे चों जिंदा निकल भी सकदा सी, पर अब मनियो ओनू तोड़ सकता सी जो निकल नहीं सी सकता। अर्जन उत्थे हाजिर नहीं सी, उहने अपने ताए नू कहा अभिमन्यू ने कि ताया जी मैं चक्कर व्यू तोड़ सकदा पर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस वेले चक्कर व्यू तोड़न की कथा मेरे पिता जी मेरी माता नू सुना रहे सी मैं पेट विच सी, पर जदों चक्कर व्यू तोड़ के बाहर निकलन की कथा वह सुना रहे सी ते मां सौं गई सी, इस करके जेड़ा वो वचन है मैं सुन नहीं सकिया, उस तो बाद की होना है। तो चक्कर व्यू तोड़ांगा पर मैं उत्थे मारिया जावांगा। चक्कर व्यू तोड़े तो बिना जित दी होर कोई उम्मीद नहीं सी। अब मनियो उस घेरे च आ गया, बड़ी बहादुरी नाल लड़िया, चक्कर व्यू तोड़ता पर आप शहीद हो गया। अज चमकौर दी गढ़ी विच बड़ा वड्डा चक्कर व्यू है, 10 लख वैरी दा चक्कर व्यू है, ते बाबा अजीत सिंह जी उहदे विच अड़ के दुश्मन दे नाल उस व्यू नूं तोड़ रहे हैं। एक भट बख्तर सहत मारत है सांग तसाई। बाबा जी दे सामने एक जिरा बख्तर नाल सजिया पठान आया, बड़ा वड्डा योधा, 7 फुट उहदा कद काठ, सारा ही पिंडा उहदा लोहे नाल मढ़िया होया, उत्ते टोप पाया, संजोह पाई, हत्थां उत्ते दस्ताने पाए, घोड़े ते भी बख्तर पाई हुई लोहे दी, ते साध संगत जी बाबा जी दे सामने आ गए। बाबा अजीत सिंह ने मारी सांग खिच के उहदे छाती च तसा दित्ती। रही न अटकी कहूं ओज ते पार पराई। कहिंदे ओ बाबा जी ने इन्ने जोर नाल मारी भी ओ संजोह भी पाड़ गई, उहदी छाती पाड़ के पिछले पासिओं दी लंघ गई, किते रुकी नहीं, इहो जे बल नाल वार कीता बाबा अजीत सिंह ने। लगियो निकासन पुनः टूट कर अर्ध रही कर। जदों बाबा जी वापस पट्टन लगे ना बरछी ओ सांग, तां ओदी जड़ी चूल सी ओ विच रह गई, ओ पुट्टी नहीं गई, ओ साध संगत जी उत्थों चूल तों टुट गई।
यानी बरछे का फल अंदर रह गया ते सोटी जड़ी डांग सी हाथ च रह गई। हां जी तत छिन तिसको डार परी कट नागन सी धर। साध संगत जी ओ फिर सांग टुट गई, जदों बरछी टुट गई ओ पट के थले सुट दिती। डस डस शत्रन बेर कर अर्द रही बीच है बरी। भाई संतोख सिंह जी अलंकार बन रहे ने, कहिंदे इंज लगदा ए बड़ी तिक्के जरीली नागन सीगी, वैरियां नूं डंग मार मार के थक गई है ते हुण लम्मी पै गई है धरती दे उत्ते। हां जी गन दुर्जन टिक होए वार कर तोमर तीर तरातरी। जदों बाबा जी दी नागन हुई उहनां दे सांग बरछी टुट गई ता वैरी उहनां दे उत्ते चढ़ आए चारे पासिओं ते बड़ी तेजी नाल मारन दे लई वार करन लगे। अंग महकाव रुदर बह दीर्घ चाला। कई सट्टां बाबे जीत सिंह नूं लग गईआं, शरीर दे विच्चों लहू वगन लग पिया। हांजी भीजो सर्व शरीर चीर रंगे तत्काला। सारे कपड़े साहिबजादे दे लहू नाल भिज गए रंगे गए। हांजी मनहो तुरत रंग रेज रंग कर पट पहराए। इंज लगदा जे भी हुणे हुणे किसे ललारी ने रंगरेज ने अपनी मटकी दे विच लाल रंग पाया ते ओ चोला बाबा अजीत सिंह नूं पुआ दिता। हां जी श्रोण पिखियो हर खंत आज त्रम छतरी पाए। अपने लहू नूं वेख्या, अपने पिंडे दे डुल्ले खून नूं वेख्या, बड़ा खुश होया अजीत सिंह, कहिंदा आज धर्म छतरी पाए, अज छतरी धर्म प्राप्त होया, क्योंकि जदों अपना लहू डुल्लदा तां जोधियां नूं खुशी चढ़दी है। जिन्हें शरीर च जख्म लगदे ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛਤਰੀ ਪੁਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹਿ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਧਰਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹਿ। ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛਿਨ ਚੌਹਦ ਸ਼ਰਿਪ ਲਖੇ ਖੜਗ ਮਿਆਨ ਤੇ ਕਾਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ 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 ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਗੇਰੇ ਧਰਨ ਤਛਾ ਮੁਛ ਤਨ ਤਨਕ ਕੇ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤਛ ਮੁਛ ਵੈਰੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਤੇ ਸਿੰਘ ਲਰ ਪੰਜ ਸੈਂ ਕਰੇ ਮਾਰ ਮਰੇ ਰਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿਓ ਖੜਗ ਤੇ ਕਾਟ ਰਿਪਨ ਗਣ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਵਿਖੇ ਪਰ ਰਹੇ ਮਨਹੋ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੁਪਤਾਏ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਗੁੜਚ ਹੋਏ, ਮਾਨੋ ਥੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਤਲਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਛਾਏ ਮਹਾ ਛਬ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਲਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ। ਪਠਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਵਰਣ ਕਰ ਜੁੱਧ ਕੋ ਲਖੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਦਤੇ ਡਰ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਵਰਗਾ ਜੰਗ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਮ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਓਜ ਤੇ ਨਹਿ ਮਾਰਿਓ ਕਿਸ ਤੇ ਮਰਤ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਓਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮਰਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਧਾਏ ਅਰੈ ਨਹਿ ਭਾਜਤ ਹੈ ਅਰ। ਜਿੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ
वैरी अगे अगे दौड़न लग जाते हैं। हालांकि वह कले ने ते वैरी हजारा ने, पर उन्होंने सारे इंज लगता भी जेड़ा मेरे ला रहा मैनू नहीं छेगा उन्हें। हाँ जी, जतन कर है समुदाय हत है कि मैं फिर तशीगर कर, कहते वैरी उन्होंने घेरन का मारन का जतन बड़ा करते ने, पर फुरती ना उन्होंने वारा के थल्यों की निकल जाता है। हाँ जी, गुलका लग है ना कोई खड़ग लो पहुंच ना दे तं, कोई गोली बाबा जी नहीं लगती, वह गोली मारते ने जिथे निशाना ला के उतो, जद जिन्ने चर नूं घोड़ा दबदे ने बाबा जी दस कदम अगां लंघ चुके हुंदे ने, पिछा हो जांदे ने, सज्जे हो जांदे ने, खब्बे पैंतड़ा बदल जांदे, पैंतड़े दे नाल वैरी दे सारे वार बेकार करी जांदा। इन्नी फुरती नाल दौड़दा जंग दे मैदान च बाबा अजीत सिंह, मार मार कर वीर करियो संगर बहु खेतम, मार मार के वैरी दे सथार ला दिते, बड़ा भयानक युद्ध बाबा जी ने किया है। कर करा चोल जब टुट गयो जम धर लई निकास कर, साध संगत जी उस वेले बाबा जी की तलवार बहुतियां नूं झटक के टुट गई, जदों तलवार भी टुट गई ते फिर कमर कसे विचों कटार कढ़ी है। हां जी, एक हतो पालकी के बिखै दूर है देखत दृष्ट धर, उस वेले एक बड़े मोटे ढिड वाला खान मुगलां पठाणा दा जरनैल पालकी च बैठा बहुत पिछे फौज नूं कह रहा सी कि इह गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्तर है, इहनूं जिउंदा फड़ो। हां जी, अनवर खान नवाब ताहे की दिश तब दौरे, अनवर खान नवाब कोई बाबा जी तो 50 कदम पिछे होवेगा, दूर सीगा, यानी 50-60 कदम दूर सी, ते बाबा जी दे आले दुआले वैरी भी पूरे सन मारन दे लई, पर बाबा जी ने जदों सुनी ना आवाज अनवर खान दी भी कहिंदा इहनूं फड़ लो जिउंदा, बाबा जी कहिंदे तू तां सानू फड़ पहला, बाबा जी दौड़े उहदे वल। हां जी, करी शीघ्रता अधिक जाए पहुंचे तिस ठौरे, ते इन्नी फुरती कीती भी जिवें चीते दी फुरती हुंदी है, उह साध संगत जी सब तों तेज जिहड़ा दौड़दा ना चीता मन्निया जांदा, ਉਹ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਬ ਜਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੁਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ 50-60 ਕਦਮ ਉਹ ਕਨਵਰ ਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਸ਼ਟ ਮਹਿ ਹਨੀ ਓਜ ਤੇ ਬਹੁ ਝੱਕ ਝੋਰੇ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਸੀ ਭੜੋਲੇ ਵਰਗਾ ਕਟਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਆਏ ਘੇਰ ਲਈ ਨਸ ਚੋਂ ਓਰੇ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਿਲਮ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਰ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਮਕੀਨ ਜੋਧਗਨ ਸ਼ਤਰ ਹੱਥ ਲੋਪ ਭਏ ਤਤਕਾਲ ਰਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਨਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਿਖਤ ਅਚੰਭੇ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਕਹਾ ਗਇਓ ਕਿਤ ਛਪਿਓ ਹਨ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਚੰਭੇ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਸੀ,
तो इस करके बाबा जी ने अपनी आत्मक शक्ति नाल जिहड़ी रूहानी पावर सी सत्संग जी शहीदी पावर सी उहदे नाल अपना शरीर अलोप कर लिया। दो सत श्री अकाल दोहरा इस विद गुर नंदन लरियो। इस प्रकार बाबा जी सिंह साहब जी लड़के श्री चमकौर साहब दी धरती ते शहीदी प्राप्त कीती है। जिह अजीत सिंह नाम जिन्हां दा नाम बाबा अजीत सिंह वड्डे साहब जादे नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा जीता गया तो मुड़ के जीता ना आऊंगा। जेड़े किसे तो जिते नहीं गए और जंग दे मैदान विच शहीदी पा के बाबा जी ने साध संगत जी उन्हां दियां वड्याईयां ने बाबा बिशन सिंह जी बाबे बकाले वाले महापुरश ना बड़े बड़े वड्डे निशान साहब लाया करदे सी 125 फुट जिथे कोई सिंह शहीद होना उत्थे निशान चला देना किसी ने विघा जमीन देनी उत्थे भी 100 फुट का 125 फुट का निशान। वह मेरे वर्गे ने आखना बाबा जी इन्ने निशान साहब कहते तुसीं बाबे बकाले साहब जाओ ना मेरा ख्याल होर भी शहरां विच होणगे पर बाबे बकाले जिन्ने निशान साहब गिने नहीं जाते मेरा ख्याल 50-60 निशान साहब ने और वह भी 100-100 फुट बड़े बड़े उच्चे। तो किसी ने पूछ लिया बाबा जी भी इन्ने निशाना का की मतलब क्यों इन्ने लाए है। वह कहते कलगीधर पातशाह ने कहा सी कि जिन्ना मेरे अजीत सिंह के मास दियां बोटियां नूं कीड़ियां कट के थले लैके जाणगियां धरती च उन्नियां डूंगियां सिक्खी दियां जड़ां कर देंगा जिन्नियां मेरे पुत्र दियां मास दियां बोटियां नूं इल्लां लैके आसमान चुटणगियां उन्ने उच्चे मैं पंथ दे निशान झुला देंगा। अज जिहड़े निशान झूल रहे ने गुरद्वारियां विच देशां विदेशां विच सब बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की कमाई सदका है। सो साध संगत जी श्री चमकौर साहब के इस वड्डे युद्ध विच बाबा जी ने बहादुरी नाल शहीदी प्राप्त की। नाल भाई आलम सिंह जी नचना ये दसवें पातशाह के खास मुसाहिब सन। आलम सिंह सारी उम्र पातशाह के गड़वई रहे ने सजे हाथ विच सरबलो दा गड़वा हर वेले तैयार पर तैयार कमर कसे जे शस्त्र सजे मोढ़े ते बंदूक दिने सारा दिन महाराज दा गड़वई हो के जल पानी छकाना प्रशादा छकाना ते रात नूं जदों सतगुरु जी विराजदे सी आनंदपुर साहब ते भाई आलम सिंह जी बंदूक लैके पहरे ते खड़े रहना सारी रात। ते विचित्र नाटक विच नाम आया उहदा महाराज कहिंदे जब दल पार नदी के आयो दिलावर खान रुस्तम खान फौजां लैके आ गए बिना खबर कीतिआं अद्धी रात नूं भी गुरु नूं जाके दब लवांगे सुते पिआं नूं। उहदी फौज नदी तों पार आ गई यानी सतलुज तों पार आ गई जब दल पार नदी के आयो आन आलमे हमें जगायो। आलम सिंह ने सानू आके जगाया भी महाराज दुश्मन की दल फौज आ गई है यानी जिहदा नाम गुरबाणी च आया वो भाई आलम सिंह महाबली योधा। फिर उहदी भावना श्रद्धा किन्नी सी सतगुरां दे प्रति कहिंदे जदों उहदे मन च भावना आई विच जिहड़े कमरे च सतगुरु जी विराजदे ने इस सारे कमरे दियां कंधां ते सोना लुआना कहिंदे कि बादशाह औरंगजेब कहिंदे बड़े वड्डे महलां च सौंदा वो झूठा पातशाह तां सच्चे पातशाह ने। महाराज नूं दिन चढ़िया बेनती की महाराज मेरी बेनती प्रवान करो। महाराज कहिंदे तेरा कदी बचन मोड़िया ही नहीं दस की कहना। कहिंदा महाराज मैं चाहुंदा वी आप जी दे सारे कमरे दियां कंधां सुनहरी होणियां चाहीदियां। महाराज कहिंदे किहड़े चक्कर च पै गया आलम सिंह। कहिंदा महाराज जो मर्जी समझो पर मेरी ये भावना पूरी करो। तो महाराज कहिंदे जिवें तेरी मर्जी है। फिर सतगुरां दा हुक्म लैके ने सारी सेवा जिहड़ी ना कंधां दी सिंघां नूं सेवा लाई किसे नूं 2 तोले किसे नूं 5 किसे नूं 10 किसे नूं 100 वह सारा बंगला सोने का बनया सीगा जिथे पातशाह जी विराजिया करदे सन। इहो जे सिंह भाई वीर सिंह सुखा सिंह भाई ध्यान सिंह
ਇਹ ਸਭ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਬਿਧ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਲਰਿਓ, ਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾ, ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਧਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਸ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਵੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਲ ਹਨ। ਸੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ, ਅੰਧ ਗੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜੇ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।